बोल रहे तुम मिलने का जाने का बिना बता क्यों। हेलो गाइस, तो मैं अभी मुंबई पहुंच चुका हूं। वेलकम टू द चैनल गाइस। मुझे पता है मैं बहुत थका हुआ हूं और बहुत टायर्ड लग रहा हूं क्योंकि मैं अभी मुंबई पहुंचा हूं, पर मुझे ये व्लॉग बनाना है क्योंकि मुझे आपको मेरी मॉम का फर्स्ट रिएक्शन दिखाना है। एज एवरीवन नो दैट आई वाज गोइंग टू मनाली, बट नो वन न्यू दैट आई वाज गोइंग टू वाराणसी। नॉट इवन माय पेरेंट्स, नॉट इवन माय फ्रेंड्स, नॉट इवन माय ब्रदर सिस्टर, नो वन। सो जब मैं वाराणसी पहुंचा, वहां जाके फिर मेरे मॉम को डैड को पता चला कि मैं वहां पहुंचा हूं। बहुत डांट पड़ी मुझे, तो वही मुझे बताना है कि आज का फर्स्ट रिएक्शन मेरी मॉम का वो मुझे दिखाना है। हेलो, आई एम बैक टू होम। चला आता अपन। आई हैव रीच्ड होम। दिस इज माई होम, दिस इज माई सोसाइटी, दिस इज माई बिल्डिंग। हाँ, तो मैं अभी अपने सोसाइटी पहुँच गया हूँ। ट्रेन या रेलवे, रेलवेज को मुझे रेलवेज बहुत पसंद है, तो मैं रेलवेज को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो टाइम बोले उस टाइम पे पहुँचा दो। सुबह 11 बजे मैं पहुँचने वाला था, पर अभी बज रहे हैं 3:30 अप्रॉक्स, 4 o'clock। हाँ, मैं बहुत टायर्ड हूँ, मेरी पीठ बहुत दुख रही है, पर अभी हम स्टेयरकेस चढ़ रहे हैं। अभी मॉम का फर्स्ट रिएक्शन देखना है, सो बी रेडी। दिस इज आवर नेम प्लेट, बावदानी। दिस इज द स्वीट बॉय, दिस इज द स्वीट बॉय। क्यों निकल रहा है? हाय। बाप रे, तू ना अरे हम गए थे भोलेनाथ को मिलने। तो फिर भी क्या हुआ? बोल रहे तू मिलने का जाने का बिना बता क्यों? कैमरा। तो आपने अभी देख लिया मेरी मॉम का फर्स्ट रिएक्शन। अरे देखो, मिसाइल के फ्रेंड सुन रहे हैं, सुनो, मॉम डैड को बताए बिना किधर नहीं जाना है। मैं नेक्स्ट टाइम नहीं जाऊंगा मॉम डैड को बिना बताए, क्योंकि मेरे मॉम डैड मुझे परमिशन देते, पर ये टाइम थोड़ा कुछ अलग था इसलिए मैं बिना बता के गया था। मैं वो बताऊंगा बाद में के वीडियो में, मैं बहुत थक गया हूँ अभी इसलिए मैं अभी बोल नहीं पाऊंगा, पर नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या रीजंस था कि मैं बिना बताए इतनी दूर गया था। सो कीप वॉचिंग पॉजिटिविटी अराउंड। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों की मदद करते रहिए और देखते रहिए पॉजिटिविटी अराउंड। पॉजिटिविटी अराउंड।